यहां पे नंद कुमार पटेल जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, इधर आओ। देखो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और ये बात आप अच्छी तरह सुनो और समझो। इनके पिता की हत्या की गई, इनके पिता शहीद हैं, सही बात, ये पूरा छत्तीसगढ़ मानता है। अगर इनके पिता की मृत्यु नहीं होती तो इनके पिता आज चीफ मिनिस्टर होते, ये सच्चाई है। अब मैं आपको इनके पिता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी में बहुत नेता देखे हैं। नंद कुमार पटेल कांग्रेस पार्टी का एक सबसे अच्छा सिपाही था। मेरा उनसे परिचय कैसा हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। बैठो, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी मुझसे कोई मिलने आते थे या आते हैं तो मैं थोड़ा उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेता हूं, रिपोर्ट लिखवा लेता हूं, पता लगाता हूं ये है कौन। और अगर मुझे वो व्यक्ति अच्छे लगे तो मैं थोड़ा और चेक कराता हूं। तो जब नंद कुमार पटेल जी मुझसे मिले पहली बार, मुझे उनमें गहराई दिखी, तो मैंने अपने ऑफिस के लोगों से कहा कि देखो एक काम करो, नंद कुमार पटेल के बारे में उनकी थोड़ी हिस्ट्री जो है, कांग्रेस में कैसे आए, क्या क्या काम किया, विचारधारा के लिए लड़ते हैं, यह पता लगा के मुझे बताओ। उन्होंने रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट में क्या लिखा था मैं आपको बताना चाह रहा हूं। रिपोर्ट में लिखा था कि एक बार चुनाव में 40-50 साल पहले मध्य प्रदेश में, उस समय मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह चुनाव हारी, और जब सारे के सारे एमएलए, बहुत सारे एमएलए, बहुत बड़े नेता हार गए तो कांग्रेस के जो सीनियर नेता थे, इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने लिस्ट निकलवाई कि भैया पोलिंग बूथ में कौन से पोलिंग बूथ में कांग्रेस पार्टी हारी है और कौन से पोलिंग बूथ में कांग्रेस पार्टी जीती है, तो आंकड़े निकाले गए। और एक पोलिंग बूथ में पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हार गई, एक पोलिंग बूथ में 100% वोट कांग्रेस को मिला। फिर इंदिरा गांधी जी ने कहा भैया ये कौन सा बूथ है ये, और ये कौन है जिसने इस चुनाव में, जहां सारे के सारे सीनियर नेता हार गए, ये कौन है जिसने अपने गांव में कांग्रेस पार्टी को 100 में से 100 वोट दिलवा दिए। सुनो, तो फिर दिल्ली से एक आदमी आता है,
नंद कुमार पटेल के गांव में जाता है बिना नंद कुमार पटेल को बताए और कहता है कि भैया यहां पे तुम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, सारे के सारे ने लोगों ने कांग्रेस को वोट कैसे दे दिया। तो लोग वहां कहते हैं देखिए यहां पे तो हम सिर्फ कांग्रेस वालों को गांव के अंदर आने देते हैं और कोई आ ही नहीं सकता यहां पे। तो व्यक्ति ने कहा मतलब ये कैसे हो रहा है, और उन्होंने कहा कि हमारा यहां पे एक युवा नेता है, कांग्रेस का नेता है, सारा का सारा गांव उसके साथ कांग्रेस पार्टी को वोट देता है। नंद कुमार पटेल 3 बार प्रधान बने, सही बात। भाइयों और बहनों आप जानते हो कि लोकसभा का चुनाव 3 बार जीतना आसान होता है, विधानसभा का चुनाव 3 बार जीतना आसान होता है, मगर प्रधानी का चुनाव 3 बार जीतना मुश्किल होता है। कितनी बार एमएलए का चुनाव लड़े वो, कितनी बार जीते? 3 बार प्रधानी, 3 बार जीते, 5 बार एमएलए का चुनाव, 5 बार जीते, और खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी। किसी ना किसी दिन उनके हथियारों को मैं पकड़ के आपके सामने खड़ा कर दूंगा। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नंद कुमार पटेल के साथ अन्याय हुआ। मैं आमतौर से चुनाव के भाषण में ऐसी बात नहीं बोलता हूं, मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि नंद कुमार पटेल के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इनको भारी बहुमत से पूरा दम लगा के यहां चुनाव जिताएं।